मध्य प्रदेश शासन के राजा स्वयं परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी भी उपस्थित हो गए हैं। हमारे बीच हमारे सागरपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा संगठित अनुशासित रूप से काम किया है। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष गौरव सुरोठिया जी भी हमारे साथ हैं। अनिल तिवारी जी आपकी कृपया मंच पर आ जाए। चर्चित चेहरा है सागर शहर का और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदारियों से आपको नवाजा है और जैसा कि आप सबका आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा क्योंकि ये रिश्ते बरसों पुराने हमारे आपके हैं। और इसी के साथ में आप कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करता हूँ कि अनिल तिवारी जी का स्वागत करें। सागर को भी इस बात में आगे बढ़ाना चाहिए आवश्यक मांग है।
स्पेशली गौरमूर्ति से मस्जिद या उसके आगे राधा का गई या गौरमूर्ति से हम बड़ा बाजार या मोतीनगर तरफ जाते हैं, तो हमने देखा है कि जितना भी विकास है वह SDFC बैंक से इस तरफ हो रहा है। SDFC के बाद अगर हम निकलते हैं तो गौरमूर्ति से लेके मोतीनगर थाना तक जाने वाली जो सड़क है उसका निश्चित तौर पर उसका अतिक्रमण भी अलग होना चाहिए। अगर हम चाहें कभी शाम के 5 या 6 बजे के आसपास अगर हम साइकिल से भी गौरमूर्ति से मोतीनगर जाना चाहें तो उसमें करीब करीब 20 से 25 मिनट आधा घंटा लग जाता है। आगे कुछ ना कुछ होगा। नमस्कार। तो लोग बहुत खुश होते हैं यूनिवर्सिटी जाके, उसके बाद हम उनको तालाब दिखाते हैं तो लोग उसको भी देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब भी शहर जाते हैं तो शहर जाते ही साथ बोलते हैं अरे यार ये शहर जो है आपका इसमें मतलब मज़ा नहीं आया। तो शहर की जो समस्याएं हैं अब तक जो बीत गए कल में हो गई, बट आने वाले समय में कम से कम हम इन चीज़ों को रोक सकें कि हमारी सड़क जो हम देखते हैं कि किसी भी जगह जो सड़क जा रही है, मान लो 40 फीट की सड़क है तो उसमें जो दोनों तरफ की नालियां हैं दोनों तरफ से पहले तो घर दो दो चार चार फुट आगे हो जाते हैं, उसके बाद वो जो घर होते हैं उनके छज्जे बाहर निकल जाते हैं, तो चार चार फुट छज्जे बाहर निकल जाते हैं। मीडिया फोरम के आदरणीय एहसान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए और माल्यार्पण कर आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। पार्टनरशिप के साथ बहुत बड़ा अभियान और आगामी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। धन्यवाद आनंद जी। प्रति जागरूक होना हर नागरिक का कर्तव्य है, काम करें ऐसी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। और आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के लिए हम सभी मिलकर सम्मानीय मंच सांसद जी मंत्री महोदयगण सभी लोग बैठे और सागरवासी इसकी पुरजोर मांग करके डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। हम बिल्डिंग बड़ी बड़ी मेन रोड पर तो बना देते हैं, नक्शे में पार्किंग भी वो हो जाती है, तो ये ध्यान दिया जाए कि पार्किंग जरूर, अगर 4 दुकान से अधिक मार्केट में हम निकाल रहे हैं तो पार्किंग की समस्या वहाँ पर कंपलसरी हो, तो जाम आधे से ज़्यादा वही निजात मिल जाएगी उस समस्या से। और मेडिकल में एक ब्लड बैंक और एक्सरे, ये दोनों की सुविधा भी नहीं है। कुछ इस शहर के बारे में उनकी भी रहे और एक ईमानदार अधिकारियों को भी एजुकेटिंग करना है पूरे काम को, तो हम का मॉनिटरिंग का काम कम हो जाएगा, आपको भरोसा रहे। मुख्यमंत्री आपसे निवेदन है कि अधिकारियों का चयन आप उचित करें, उस शहर का जेल विभाग की बहुत जमीन बनी है, अधिकारियों के लिए तो तीन एकड़ के बनी है और जेल की जमीन कोई इतनी बहुमूल्य जमीन है, व्यवसाय उपयोग किया जाए तो उससे शहर की एक अलग फिगर बने। और आपके सुझाव जो आए हैं उसको हमारे नगर निगम के